लेकिन इन तमाम चीजों के बीच फंडामेंटल आउटलुक बाजार का जानना हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बाजार का अंडरटोन तो अब भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बुलिश ही नजर आ रहा है। लंबी अवधि में बाजार को किस तरह से देखना है, ये समझते हैं। हमारे साथ इंटेलसेंस कैपिटल के अभिषेक बासु मलिक अब जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। हमारे टेक्निकल पैनल भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी स्वागत करते हैं। संतोष हमारे साथ और साथ ही नागराज भी जुड़े हैं। अभिषेक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त ताजा डेटा अगर देखें, भाई डे बाय डे या एक दिन या प्रतिदिन की अगर हम देखें वॉलेटिलिटी को अगर नजरअंदाज भी किया जाए, बाजार में सेंटिमेंट्स तो डेवलप होते दिख रहे हैं। एफआईआईएस की लगातार खरीदारी के आंकड़े अगर आप देखेंगे, 15 दिनों से खरीदारी का रुख एफआईआईएस की तरफ से, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से एक दो सेशंस में हम देखते हैं बाइंग लौट आती है, बिकवाली भी डीआईएस की तरफ से नजर आती है, लेकिन एफआईआईएस वन साइड बाइंग पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे हैं। 3 साल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेटा एफआईआईएस की तरफ से इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स के विपरीत भारतीय बाजार के लिए अब भी बुलिश है ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले, और कौन से स्पेसेस हैं जिस पर इस वक्त आपकी नजर है? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो अगले 2-3 साल का जो अवधि है उसके वो टाइम फ्रेम में इंडिया डज लुक टू बी वेरी गुड इन द ग्लोबल मार्केट सिनेरियो। तो बाकी अगर देशों में हम देखें तो इतना ग्रोथ या इतना स्टेबल मार्केट, हमारा जितना स्केल है, जो सारे साइज है, मार्केट कैप है, उतना बहुत कम मिलता है फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो आज नहीं तो कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आना है। ये डिपेंड करता है कि यूएस में कैसे माहौल है, बट मेरे हिसाब से जितना रिसेशन का डर है उतना प्ले आउट नहीं हो रहा है। तो वो हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए एक हद तक अच्छा भी है। तो अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए देखें तो ये अच्छा है इंडियन मार्केट्स के लिए, और इंडियन मार्केट्स में डोमेस्टिक जो प्ले है वो बहुत ज्यादा लास्ट 1 साल में इंटरेस्टिंग बना है। इंडिया में केपेक्स प्ले धीरे धीरे चालू हो रहा है, पीएलआई स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। तो एक बार जब ये रॉ मटेरियल प्राइस स्पाइक्स और ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा तो इंडियन मार्केट्स या इंडियन बिजनेसेस विल कंटिन्यू टू डू वेल। इंडियन फैक्टर्स की आपने बात की अभिषेक, ऐसे में कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये 76 डॉलर के आसपास है और इसी रेंज में बना हुआ, और एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि इसमें इस साल तो ज़्यादा कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। क्रूड को अगर प्ले आउट करना हो तो कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन सी थीम पर आप फोकस करेंगे? तो देखिए, क्रूड का जो है ना, वो हम क्रूड का प्राइस देख के इंडिया में कुछ प्ले नहीं कर सकते। मेनली इसका कारण यह है कि इंडियन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ ऑयल इज रेगुलेटेड टू एन एक्सटेंट, राइट? सो क्रूड जब प्राइस गिरा भी है तो इंडियन डोमेस्टिक प्राइसेस हैव नॉट कम डाउन, तो वो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो नहीं प्ले कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो होता है कि पावर कॉस्ट कम हो जाते हैं, तो इनपुट कॉस्ट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज, सीमेंट हो गया या पावर सेक्टर में हमको तेजी देखने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, बिल्कुल ना। लेकिन अभिषेक, अब आपसे व्यू लेना चाहेंगे, अब ऑलमोस्ट नतीजों के लास्ट लेग में हैं हम, करीब 38 कंपनियां आ चुकी हैं, निफ्टी ने अपने नतीजे घोषित कर दिए, निफ्टी कंपनियों ने। ये जो ओवरऑल अर्निंग सीजन था, इसको आपने कैसे एनालिसिस किया, और इसके बाद कोई एक सेक्टर, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नतीजों का सीजन में इस बार आपको पसंद आए हैं कुछ नतीजे, और कुछ लैगार्ड्स अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो? जी देखिए, अर्निंग्स मोर और लेस हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे उसी हिसाब से आए हैं। अगर स्पेसिफिकली कोई सेक्टर की बात करें तो आई बैंकिंग, एनबीएफसी, एमएफआई, सो ये वाला जो सेक्टर है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं मोस्टली सारे बैंक्स के, एनबीएफसीज के और एमएफआईज के। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमको देखने के लिए अगले मतलब 1-2 क्वार्टर्स तक ये अगर परफॉर्म करते रहें तो हमको ये श्योर हो जाएंगे कि
जो बैंकिंग सेक्टर है दैट हैज रियली टर्न्ड अराउंड, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। दूसरा जो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस है उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं, और तीसरा मेरे हिसाब से जो टायर कंपनीज है वो भी काफी अच्छा रिजल्ट्स इन्होंने दिया है, होटल्स अच्छा दिया है, तो इन पॉकेट्स रिजल्ट्स अच्छा ही हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल नजरिया में बता रहे थे अभिषेक। इसके अलावा अभिषेक आपसे कुछ क्यूएसआर कंपनियों पर व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा रेस्टोरेंट ब्रांड के जो नतीजे आए काफ़ी स्ट्रांग थे, उसके बाद नतीजों के बाद हम यहाँ पर अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। देवयानी इंटरनेशनल भी आज 4 से 5% ऊपर है। इन तमाम कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए क्यूएसआर कंपनीज का जो है काफी अच्छा व्यू है, इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म में जो डिमांड है और जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है वो काफी हद तक ये पैंडेमिक के बाद चेंज हो गया है, तो क्यूएसआर एक ऐसा सेगमेंट है जो घर पे डिलीवर करती है, और ये पैंडेमिक के 1.5-2 साल के दौरान बहुत लोगों ने शायद पहली बार पिज़्ज़ास और बर्गर्स और ये सब ट्राई किया, एटलीस्ट जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, और वहाँ पे जो ग्रोथ अभी धीरे धीरे हो रहा है नए स्टोर्स का, उससे काफी लंबे अवधि तक ये ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं ये ऑल ऑफ दीज कंपनी, सारी कंपनीज, तो इनमें एक लॉन्ग टर्म डिसेंट ग्रोथ हमको मिल सकता है। आज क्यूएसआर स्पेस पे खास नजर रहेगी इस वक्त दिख रही है, लेकिन रियल एस्टेट पैक में अभिषेक आपसे मैं राय जानना चाहूंगी। रियल एस्टेट सेक्टर की ही अगर बात करें, देखिए पिछले दिनों हमने देखा, इनफैक्ट कुछ सालों के डाउन ट्रेंड के बाद ये सेक्टर ने जो एक अपमूव की तेजी पकड़ी है, अप साइकिल जो पकड़ा है, वो तेजी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। चाहे फिर वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो, कमर्शियल रियल एस्टेट हो, कलेक्शन फिगर्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट नतीजों से ठीक पहले जो ऑपरेशनल अपडेट्स लगातार इन कंपनियों के आए वो भी पॉजिटिव रहे हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर लगातार 3 हफ्तों से मजबूती दिखा रहा था। लेकिन इस वक्त बाजार की जो गिरावट इस हफ्ते शुरू हुई है मंगलवार से, तब से लेकर अब तक रियल एस्टेट में भी हम कमजोरी देख रहे हैं। इस कमजोरी को कैसे प्ले आउट किया जाए, और रियल एस्टेट मेजर्स लाइक डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट मैक्रो, शोभा, पूर्वांकरा, प्रेस्टीज एस्टेट, ये सारे के सारे स्टॉक अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड करने के लिए काफी हद तक माने जाते हैं, इनमें क्या इस गिरावट में एक बार एंट्री पोर्टफोलियो के लिहाज से ढूंढनी चाहिए? जी, अभी मार्केट जैसा प्ले आउट हो रहा है वो ये है कि कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो तुरंत एक प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है, ये लास्ट 1-1.5 साल से एक रेंज बाउंड मार्केट का एक नेचर है, और अभी रियल एस्टेट अगर हम फंडामेंटली देखें तो काफी सालों बाद, 5-6 साल बाद ये एक एक अप ट्रेंड में आया है, बिजनेस साइकिल घूम रहा है ये दिखाई दे रहा है, और जैसे आपने बताया कि जो नंबर्स ये लोग पब्लिश कर रहे हैं बुकिंग्स के ऑर्डर फ्लो के वो बहुत ही अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ये जो जिस दिन थोड़ा वीकनेस आ रहा है इन स्टॉक्स में वो अभिषेक से हमारा संपर्क टूट रहा है टेक्निकल ग्लिच के चलते। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टॉप गेनिंग मोमेंटम जिन स्टॉक्स में है, उन स्टॉक्स में होटल स्पेस भी शामिल है। इंडियन होटल्स के चार्ट आज भले ही ना रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन होटल स्टॉक्स भी अभिषेक काफी हद तक फोकस में रहा है। एक थीम है जिस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए, और ऑफकोर्स ये तो सीजनैलिटी फैक्टर भी है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले होटल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। EIH होटल्स देखिए अच्छी मजबूती के पीछे ट्रेड करता हुआ। इस पूरे थीम को लीजर यानी कि होटल्स, टूरिज्म, मल्टीप्लेक्स, इसको आप कैसे देखते हैं? फंडामेंटल आउटलुक आपका क्या होगा? 7% अप मूव EIH के काउंटर में आज दिख रहा है। मेरे हिसाब से जो होटल सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली हमने जो देखा है ना एक ट्रेंड चेंज होते हुए देखा है इन द कंज्यूमर क्लास, जो हम जो आसपास देखते हैं कि कोविड में जो 1.5-2 साल लोगों ने घर में बिताए उसके बाद से जो घूमने का एक एक शौक बोलिए या जो भी आप कह सकते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, तो छोटी छोटी
छुट्टियों में बाहर जाना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड प्राइसेस जो होटल के रूम रेट्स हो या एयरलाइन बुकिंग्स हो या ट्रेन की बुकिंग्स हो, ये बहुत एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इन अ वे दैट इज इट इज गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि टूरिज्म हमारे देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ जीडीपी भी है, तो ये एक स्पिल ऑफ इफेक्ट भी होता है। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव हूं मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। थैंक लेकिन इस बीच फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। संतोष आपका भी शुक्रिया, नागराज आपने भी ये सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।